विद्या भारती 11 सितंबर 2020 से हाल ही में आने वाला हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करेगा। 25 सितंबर 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन के माध्यम से सोशल मीडिया व वेबसाइट www.mynip.in में माइनिप पर आधारित लोकप्रिय एवं आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। 31 जुलाई 2020 को भारतीय भारत सरकार की जो कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी प्रसारण किया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश भर में शिक्षा नीति का अपना इतिहास है। 1968 से लेकर के बाद में 1984 अनेक अनेक कोठारी कमीशन से लेकर के और अनेक प्रकार के शिक्षा के आयोग बने। अभी वर्तमान में एक कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में और लगभग 5 वर्षों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के को बनाने का कार्य चल रहा था। अनेक प्रकार के शैक्षणिक विषयों का इसमें शामिल होना यह सुनिश्चित करने के लिए और यह जो शिक्षा नीति आई है, एक प्रमुख बात आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा। अभी तक की नीतियाँ जो बनी देश के अंदर शिक्षा के संदर्भ में, अनेक शिक्षा शास्त्रियों का यह कथन था कि भारत में शिक्षा है लेकिन शिक्षा में भारत नहीं दिखता। और इस नाते से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर यह प्रयास किया गया कि भारत केंद्रित शिक्षा बनाई जाए, समग्र शिक्षा किया जाए, गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसे अनेक विषयों को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। लाखों लोगों ने हजारों प्रकार के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से इस नीति के निर्माण में अपना अपना योगदान दिया है और इस कारण से आज़ाद भारत की पहली शिक्षा नीति 2020 में आई है, जिसके माध्यम से हम सब कह सकते हैं कि सर्वसहमति से शिक्षा शास्त्रियों का इतना बड़ा व्यापक समूह इसको सफल बनाने में लगा, जिसके कारण जन जन में चर्चा का विषय बना है। आज के इस अनुष्ठान में आप सबको आमंत्रित किया है हम लोगों ने। शिक्षा नीति के बारे में सारे देश में चर्चा हो रही है। आज ही सुबह सुबह देश भर के राज्यपालों और शिक्षा मंत्रियों के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। अनेक अनेक प्रकार के ऐसे विषय आ रहे हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाला विद्या भारती संगठन है, जिसके संपूर्ण देश भर में 13,000 औपचारिक और लगभग इतने ही अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से लगभग 25,000 संख्या में विद्यालय चलते हैं भारतवर्ष के, चाहे वो कटक से लेकर के और मणिपुर तक और इधर से कश्मीर के लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार, संपूर्ण भारत में गिरी कंदरमा पर विद्या भारती का कार्य है। और इस नाते से शिक्षा क्षेत्र में हमारी एक अलग भूमिका है और इस दृष्टि से हम सब ने यह विचार किया कि शिक्षा नीति तो बनी है, शिक्षा पर चर्चा करने वाला भी एक बहुत बड़ा समूह है देश भर में, किंतु जिनके लिए यह नीति बनाई गई है, जिन विद्यार्थियों के लिए, इस पीढ़ी के, ये शिक्षा नीतियाँ बार बार नहीं बनती हैं, तो इसलिए उन विद्यार्थियों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए और हम लोगों ने योजना बनाई है कि जिनके लिए यह नीति आ रही है उनका इस शिक्षा नीति के बारे में क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं भारत की वर्तमान पीढ़ी। और इसलिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने वाले, परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर सामान्य नागरिक, ऐसे 3 श्रेणियों में इसका विभाजन किया गया है। और एक छोटी जानकारी मैं आपको देता हूँ, विद्या भारती हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस विषय पर एक हम प्रतियोगिता संपूर्ण देश में करने जा रहे हैं। आज सारे देश भर में सभी प्रांत केंद्रों में, प्रदेश मुख्यालयों में जैसे यह कॉन्फ्रेंस है, ऐसे सारे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आप सबको आमंत्रित करके अन्य शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यालय के विद्यार्थी और समाज जन और अनेक उच्च शिक्षा से जुड़े हुए भी ऐसे लोग शामिल हो सके, इस संदर्भ में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ।
उसके बाद प्रेस ब्रीफ जो हमारे यहाँ के प्रांतीय संगठन मंत्री जी है वो आपको बताएंगे। मुख्य रूप से आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 11 सितंबर से और 24 सितंबर तक संपूर्ण देश में इसका पंजीकरण किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा इस प्रतियोगिता का। उसकी जानकारी वेबसाइट और सब समय समय पर आप सबको उपलब्ध कराया जाएगा, सूचना और संवाद। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है, उस जयंती से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक गांधी जयंती के अवसर पर इन 7 दिनों तक यह प्रतियोगिताएं की जाएंगी। प्रतियोगिता में जैसा मैंने प्रारंभ में कहा 3 प्रकार का समूह बनेगा, क्लास 9 टू 12, और जो इसका थीम है एक तो भारत केंद्रित शिक्षा, गुणवत्ता आधारित शिक्षा, समग्र शिक्षा और ज्ञान आधारित समाज, इस आधार पर हम इस थीम को लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि भारतवर्ष का विचार करना है, इसलिए भारतवर्ष के प्रमुख 13 भाषाओं में हिंदी अंग्रेजी से लेकर असमिया बंगाली तमिल तेलुगु से लेकर ऐसे संस्कृत तक ऐसी गुजराती मलयालम इन सब भाषाओं में 13 प्रमुख भाषाओं में देश की और ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में समय समय पर वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिलेगी। साथ ही जो क्लास 9 टू 12 के लिए हमने योजना बनाई है, 2 मिनट का कोई तात्कालिक इसमें भाषण ऐसी प्रतियोगिता, हस्त निर्मित पोस्टर हाथ से बनाए गए अलग अलग प्रकार की शिक्षा को लेकर, साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखना, कोई भी शिक्षा संबंधी हमारे विचार है तो इस नीति के बारे में और लिखना। इसके साथ ही 300 शब्दों का एक निबंध यह प्रतियोगिता में शामिल होगा और कुछ मीम वगैरह बनाना इसके लिए करना। दूसरा समूह जो है ये तो विद्यार्थियों के लिए होगा क्लास 9 टू 12। इसके बाद दूसरा समूह है कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी और साथ ही साथ अन्य नागरिक, ये 2 समूह जो बने हैं इसमें भी इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, किंतु इसमें कुछ हम छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, थोड़ा बड़े स्तर पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इसकी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, कोई अच्छी चित्रकारी बना सकते हैं, हस्तलिखित कोई सुंदर डिजिटल पोस्टर, बड़े जो लोग होते हैं वो डिजिटल कोई अच्छे पोस्टर तैयार कर सकते हैं, और सोशल जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर है फेसबुक है व्हाट्सएप है इंस्टाग्राम है इन सब माध्यमों में भी, और ट्विटर पर ट्रेंड कर सकते हैं 7-7, 8-8 बार, ऐसे उसकी पूरी नियमावली आने वाली है जो जिसके लायक आवश्यक पाते हैं उस प्रतियोगिता में आएंगे। आज इसका विस्तार से बताने का वो नहीं है, सारी जानकारी आप सबको और जिन प्रतिभागियों तक हम पहुँचने वाले हैं उन तक समय समय पर, हमारे पास पर्याप्त समय है तो चरणबद्ध योजना इसकी बनाई गई है। इस संदर्भ में हमारे इस काम के संयोजन करने के लिए और यहाँ पर जो शिक्षा के जो स्कूली शिक्षा में श्री लालजी सोनारी हमारे इसका संयोजन करेंगे, हमारे प्रांत के प्रचार विभाग के कार्यकर्ता हैं, और साथ ही अपने सुब्रत शर्मा बरुआ साथ में विषय हैं, ये उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों से संपर्क करके और उनको प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, कुल मिलाकर के ऐसे सामान्य जनों के बीच में भी जाने की योजना बनाई गई है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा क्षेत्र के हमारे परिवार से जुड़े राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत जो और भी संस्थान हैं, शिक्षण मंडल है, इतिहास संकलन समिति है, संस्कृत भारती, ऐसे अनेक संगठन हैं जो शिक्षा क्षेत्र में वर्षों से अपनी भूमिका ऐतिहासिक रूप से उनकी भूमिका समय समय पर अपनी वो प्रदर्शित करते रहते हैं, उन सबका भी सहयोग लेकर के और इस प्रतियोगिताओं को सफल बनाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के भी मोटी मोटी हमने आपको जानकारी दी है और मैं आग्रह करता हूँ कि इस प्रेस का जो वो है केंद्र स्तर पर जो तैयारी हुई है इस संदर्भ में और हमारे प्रांत के संगठन मंत्री जनम जी मिलन जानकारी देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद पवन तिवारी जी। तो बेसिकली कथा डॉक्टर तिवारी जी आमार आगत दाँ धरी एटा वेबसाइट आज www.myNEP.in MYNEP.IN এই ওয়েবসাইটত আসলে গোটেইবিলাক আমার যানবিলাক কাম হব যা প্রতিযোগিতা মানে পাতিবলা হয়েছে তার সমস্ত বিবরণ এই ওয়েবসাইটত দিয়া হবে। এই ওয়েবসাইটটা আমি শেয়ার করি যেদরে পবনজি কইছে তো তেনেধরণে আমার মূল যিকটা থিম কারণ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এইটুক আসলে কইছে যে বহুদিনের মূরত ইয়াক আমি পাইছো 86ৰ পৰা আজি 2020 ভাৰতত শিক্ষা আৰু শিক্ষাত ভাৰতীয়ত্ব এই দুইটাৰ মাজত পার্থক্য আছে। তো আমি ইমান দিনে শিক্ষাত আমি ভাৰতক দেখা পোৱা নাছিলোঁ, ভাৰতৰ আত্মাক দেখা পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে এই আত্মাক দেখাৰ কামটো আচলতে এই নতুন যিখন 2020ৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি পাইছোঁ ইয়াত সেই বস্তুটো আছে। কিন্তু থকা আৰু তাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা অভিভাৱকসকলে তাক অনুভৱ কৰা এই দুটা বেলেগ। এই অনুভৱ কৰাবৰ কাৰণে আচলতে বিদ্যা ভাৰতী অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থানে এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। তো ভাৰত কেন্দ্ৰিত শিক্ষা, সমগ্ৰ শিক্ষা, জ্ঞান আধাৰিত সমাজ আৰু গুণগতপূৰ্ণ শিক্ষা এই চাৰিটা হৈছে মূল থিম। এইকেইটা মূল বিষয়ক লৈ পেলাই আৰু 13টা প্ৰমুখ ভাষা আমাৰ যদিও সংবিধান স্বীকৃত বহুত ভাষা আছে কিন্তু বিদ্যা ভাৰতীয়ে এইখিনি সময়ত এই প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে 13টা ভাষাক সীমিত কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰভাষা হিন্দী, ইংৰাজী, মাৰাঠী, গুজৰাটী, মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, পাঞ্জাৱী, উৰিয়া, বংগালী, সংস্কৃত আৰু আমাৰ অসমত বিদ্যা ভাৰতীয়ে যিটো ভাষাক আটাইতকৈ বেছি মানে প্ৰাধান্য দিছে মাতৃভাষা শিক্ষা মানে আমাৰ অসমীয়া ভাষা শিক্ষা, এই অসমীয়া ভাষাও এটা প্ৰমুখ ভাষা হিচাপে বিদ্যা ভাৰতীয়ে লৈছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত যিখিনি বিষয় নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এটা মানে প্ৰথম যিটো কক্ষ কৰিছে প্ৰথম যিটো শাখা এই শাখাত আচলতে কেৱল আমাৰ বিদ্যা ভাৰতীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েহে কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয়, এইটো অপেন ফৰ অল ষ্টুডেণ্টছ মানে যিকোনো চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ভিতৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত ভাগ ল'ব পাৰে। ঠিক সেইদৰে যিটো স শাখা বা দ্বিতীয় যিটো শাখা তাত যিসকলে স্নাতক পঢ়ি আছে আৰু স্নাতকোত্তৰ মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এই দুয়োটা শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাগ ল'ব। আৰু তৃতীয়টো আছে অপেন ফৰ অল মানে যিকোনো নাগৰিকে বা অভিভাৱক অভিভাৱিকাই ইয়াত ভাগ ল'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যে এই ভাগ লোৱাটো সাধাৰণতে আমাৰ ডিজিটেল পৰ্যায়ত হয়, সেইটো আটাইতকৈ ইয়াৰ মহত্বপূৰ্ণ যে ডিজিটেল পৰ্যায়ত এই গোটেই প্ৰতিযোগিতাবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব মানে ফেচবুক আছে, ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, টুইটাৰ আছে, ইউটিউব আছে বা মোবাইলৰ যিটো হোৱাটছএপ নম্বৰ, ইমেইল আইডিৰ যোগেদি ইয়াৰ লগত আমাৰ প্ৰতিটো বস্তু কানেক্টেড হৈ থাকে। মোদীজীয়ে যিদৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে ই আচলতে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াক সঠিক প্ৰয়োগ কৰাত ই এটা এক প্ৰকাৰ মাধ্যম। আৰু ইয়াৰ কিছু এনেকুৱা আছে যে প্ৰতিটো তিনিটা শাখা কৰিছে, প্ৰতিটো শাখাৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচটাকে প্ৰতিযোগিতা হয়। এই পাঁচটা প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰিও এটা অনলাইন কুইজৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই আচলতে নতুন যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি এই নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক আমি অধ্যয়ন কৰি ইয়াত কিদৰে এই ভাৰতীয়ত্বটো প্ৰকাশ পাইছে ইয়াক আমি সকলোৰে সমাজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা উচিত। দ্বিতীয়তে এই যিটো 13টা স্বয়ংক্ৰিয় ভাষা এই প্ৰত্যেকটো স্বয়ংক্ৰিয় ভাষাৰে তিনিটাকে পুৰস্কাৰ থাকিব, প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 10,000, 5,000, 3,000 তাৰোপৰি 10টাকে বিশেষ পুৰস্কাৰ 1,000 টকা তাৰোপৰি তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব, মানে ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট লগে লগে পাব।
बस्तु जीदर इत गए सुचारूरूपे मानने परचालना पार तरण एजन संयोजक बनाई लालजी सोनारी आमार शिशु शिक्षा समिति प्रचार विभाग एजन कार्यकर्ता संयोजक हिसाब से और बाकी स्नातक और विश्वविद्यालय पर्याय इमार चार दायित्व सुब्रत शर्मा बरवा आम एजन कार्यकर्ता दायित्व दिया आशा करूँ जी विषय जीकता दी इत्यंत मानने सकुके आकर्षित करें आम एक्सटेम्पर स्पीच कथा कौन आम विभिन्न समय छात्र छात्री आकस्मिक बक्तृतार मजेरे जाए इतना कि मिनिटर भाषण प्रतिजोगित रखा नवम और द्वश श्रेणी मजदूर ये दु मिनिटर भर तखे से राष्ट्रीय शिक्षा नीतिर ऊपर कब क्या विषय हस्त निर्मित पोस्टार मानने हाथेरे निजे इक लै पे विभिन्न चार थीमक लै पे पोस्टार भी बनाल माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन्दर्भ चार विषय सन्दर्भ चिठी लिख प्रतिजोगिता ईश शब्द एक प्रबंध और मीम बनवा यह आजिकल तो बड़ बहुत बेसि प्रचलित गति के राखी सकुके आकर्षित करा ठीक तैनक माजे माजे सर किसान आम डकुमेन्टरी टाइप सर सर भिडिओ बनाए इन धुनक बनाए कम समय एक मिनिट दु मिनिट इतना अधिकतम समय दु मिनिट बीस सेकेंड दी समयखिर भरते एक विषय आम राइज मजबूत लो जा तो तारो प्रतिजोगित रखा डिजिटल पोस्टार प्रतिजोगित रखा हाथेरे मानने हस्तनिर्मित पोस्टार आज एक नतून बस्तु यूर आम मानुर खूब बेसि सम्पर्क ना कि हम टुईटार थ्रेड मैं न्यूनतम आठटा के टुईट कर मिनिमाम तो तार कारण मैं तैयार क्वालिफाई कर टुईटार आसलते अपने जाने बर्तमान समय देशों गोटे राजनैतिक नेता आन आन देश जब सेलिब्रिटी आए गोटेबा आसलते जीगी इतना भाग लगभग मिनिमाम आठटा टुईट मैं हम लगे आठटा टुईट थ्रेड थ्रेड और ये तो हेसटेग दिया मानने से गोटे आम वेबसाइट पाई हेसटेगत आम मानने प्रतिजोगितार विचार नेसटेग जो पा ना जाए तो गम पा ना के जीतु सेलिब्रिटी सको बेसिभाग आसलते टुईटर आसे सकुए चाह पे गोटे विश्व मानने गोटे विश्व गति के मानने छात्र छात्री अभिभावक वर्ग বিশেষকৈ যিসকল সাধাৰণ নাগৰিক তেওঁলোকেও ইয়াৰ সম্পৰ্কে মাজতে যিটো ড্ৰাফ্ট ওলাইছিল সেই ড্ৰাফ্টটো বহুতে নিজৰ নিজৰ পৰামৰ্শ আমাৰ মানে শিক্ষা বিভাগলৈ পঠাইছিল এতিয়াও এইখন সন্দৰ্ভটো এইটোটা বিষয় সন্দৰ্ভটো ৰাইজে নিজৰ নিজৰ মতামত আনিব আহিব পাৰে আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি আমাৰ মূল কথা তো অহা 11 सेप्टेम्बरत यह कार्यक्रम आरम्भ हम जद 25 सेप्टेम्बर दीनदयाल उपाध्याय जी जयंती और तार सत दिन 2 अक्टोबर लेकिन गांधी जयंती लेकिन ये तो गोटे पाँचा जो प्रतिजोगिता सम्पन्न प्रतिजोगित फलाफल 5 अक्टोबर मानने प्रत्येक जी वेबसाइट दिया तक आसलते यू रेजिस्ट्रेशन लगे तो रेजिस्ट्रेशन व्यवस्था आज तो हाँ पाते पाइ एम वाई एन ए पी डट आई एम एम वाई एन ए पी माइ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्मॉल डॉट आई एम रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हाँ सको कम्पिटिशन भाग लगभग रजिस्ट्रेशन और किसान स्टैंडर्ड कंडीशन
প্লেগিয়ারিজম হ'ব নালাগে, অন্য এটা বস্তু দিব নালাগে, তাৰপিছত প্ৰপাৰ্টি ৰাইট ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট এইটো মানি চলিব লাগিব।